My name is Sam Shahzad, and I'm head teach you biology class first year. Students, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में डिजीज कंट्रोल के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स और वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन के टॉपिक को डिस्कस किया है डिटेल से. आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि जीन ये जो आज हमने पढ़ना है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है पिछले दो टॉपिक्स की निस्बत. तो उसको हम इसके जो पूरा थ्योरी है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके डिस्कस करेंगे, ताकि एक एक चीज़ हमें क्लियर होती जाए. स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी. ड्रग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है कि एक नॉर्मली जब एक मरीज बीमार होता है तो उसका इलाज किया जाता है थ्रू ड्रग्स, जिनको हम नॉर्मली मेडिसिंस कहते हैं. इसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो नॉर्मली यूज़ की जाती है वो एंटीबायोटिक्स हम यूज़ करते हैं. तो एंटीबायोटिक्स जिन बीमारियों के अगेंस्ट यूज़ की जाती है वो बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं ज़्यादातर. तो उन बैक्टीरियल, उस खास बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन ये उसी सूरत हाल में कारामद होती हैं अगर वो बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में पैदा ना हो चुकी हो. तो अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस पैदा कर ले उस खास एंटीबायोटिक्स के खिलाफ, तो फिर एंटीबायोटिक्स जो हम यूज़ करते हैं उसका फ़ायदा नहीं होता, वो कारामद नहीं हो सकती. इसलिए ऐसी एंटीबायोटिक्स जो आमतौर पर हम बीमारी में यूज़ करते हैं उसका बैक्टीरिया के खिलाफ उसको बैक्टीरिया को किल करना होगा. अगर वो बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकेगी, बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, तो हम उस डिजीज़ के खिलाफ वो खास एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर सकते. एंटीबायोटिक एक ही सूरत में कारामद है जब बैक्टीरिया उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बैक्टीरिया में ना हो. तो नॉर्मली जो हम बीमार होते हैं, इंसानों में जो बीमारियाँ आती हैं, वो एंटीबायोटिक से उसका इलाज कर लिया जाता है बाय किलिंग स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो उस डिजीज़ को फैलाते हैं. अगली बात हम करते हैं कि एक सूरत हाल ऐसी भी पैदा हो सकती है जिसके अंदर कैंसर हो जाता है एक पेशेंट को. तो कैंसर का इलाज अब किस तरह से किया जाता है वो भी हमें इसी ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरापी के टॉपिक में बताया गया. वो दो तरीक़ों से उसका इलाज किया जाता है नॉर्मली, एक तो रेडियोथेरापी के जरिए, दूसरा कीमोथेरापी के जरिए. ये रेडियोथेरापी क्या है, इसके अंदर शॉर्ट वेव्स एक रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो इमिट होती हैं वो कैंसरस पार्ट जो है उसके ऊपर डाली जाती हैं पेशेंट के उस कैंसरस पार्ट पे, और ये रेगुलर इंटरवल से ये काम किया जाता है रोज़ रोज़. इस तरह फिर जो है वो कैंसरस जो पार्ट है उसको शॉर्ट वेव्स ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल के थ्रू उस कैंसरस पार्ट को डैमेज किया जाता है, और इस तरह एक पेशेंट जो है वो कैंसर से बच सकता है या कैंसर उस पेशेंट का ख़त्म होता है रेडियोथेरापी के जरिए. इसको हम रेडियोथेरापी कहते हैं. रेडियोथेरापी के बाद जो दूसरा, और रेडियोथेरापी के कई सेंटर्स भी हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त काम कर रहे हैं और कैंसर के मरीजों को डील कर रहे हैं. इसके अलावा एक जो दूसरा हिस्सा है कीमोथेरापी, जो एक और तरीका है कैंसर को डील करने का, वो कीमोथेरापी है. और इसके अंदर क्या होता है कि सर्टन एंटी कैंसरस केमिकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जो ऐसे पेशेंट्स जिनको कैंसर होता है उनका जो वो खास पोर्शन है उस पोर्शन तक वो एंटी कैंसरस केमिकल्स पहुंचाए जाते हैं. इसका एक ये नुकसान है, इसका एक ये ड्रॉबैक है कि इसके अंदर जो वो एंटी कैंसरस केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं वो ना सिर्फ कैंसरस सेल्स को ख़त्म कर सकते हैं बल्कि नॉर्मल सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो ये भी एक तरीका है कैंसर को ख़त्म करने का, जो इसको हम कीमोथेरापी का नाम देते हैं. कीमोथेरापी के बाद अब जो हमने यहाँ पे लिखा है कि जीन थेरापी, ये एक नया तरीका ईजाद हुआ है कैंसर पेशेंट को डील करने का जिसका नाम है जीन थेरापी. इसके अंदर क्या होता है कि डिफेक्टिव जीन जो है एक पेशेंट का उसको निकाल के एक नॉर्मल जीन को एक पेशेंट में डाला जाता है आइसोलेशन करके एक नॉर्मल जीन की, और नॉर्मल जीन सेल की, और उसको पेशेंट में डाला जाता है थ्रू बोन मैरो ट्रांसप्लांट होती है. उस बोन मैरो के अंदर नॉर्मल जीन को डाल के उस पेशेंट में एंटर किया जाता है. इस प्रोसेस को कहते हैं जीन थेरापी, और ये एक नया प्रोसेस है जो कंबैट करता है किस डिजीज़ को, कैंसर को, इसमें बोन मैरो के अंदर एक नॉर्मल सेल को डाल के पेशेंट के अंदर डाला जाता है थ्रू बोन मैरो. इस प्रोसेस को हम कहते हैं जीन थेरापी. तो ये तीन चार चीज़ें हैं नॉर्मली जो हम एज अ ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरापी के थ्रू हम एक पेशेंट को नॉर्मलाइज कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हमें बायोलॉजी के तवस्सुत से मिली हैं.
एंटीबायोटिक्स नॉर्मली यूज़ होती हैं जो बैक्टीरिया की किलिंग करती हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा करती हैं बॉडी के अंदर। रेडियोथेरेपी के अंदर शॉर्ट वेव्स जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से निकलती हैं वो हिट की जाती हैं कैंसरस पार्ट पे। कीमोथेरेपी में एंटी कैंसरस केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। और जीन थेरेपी के अंदर आइसोलेट करके एबनॉर्मल जीन को, नॉर्मल जीन को बोन मैरो के अंदर डाल के इंसान के अंदर डाला जाता है, जिसको हम जीन थेरेपी का नाम देते हैं। तो ये थे हमारे 3-4 प्रोसेस जो नॉर्मली ड्रग ट्रीटमेंट या जीन थेरेपी में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं इसी टॉपिक के अंदर, वो क्या है? वो ये कि एक जो भी मौलिक बीमारी एक कम्युनिटी में मौजूद होती है उसको कम्बैट करने के लिए, उससे डील करने के लिए माशरे में नो हाउ बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी के अंदर कि इस डिज़ीज़ की वजूहात क्या हैं, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। अगर हमने एक मौलिक बीमारी से डील करना है तो पूरे कम्युनिटी में उसकी नो हाउ होनी चाहिए कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये ट्रांसमिट कैसे हो रही है। इस पूरे प्रोसेस को, जो भी कोशिशें किसी भी एक ख़ास मौलिक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए की जाती हैं, उसको हम इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट का नाम देते हैं। तो इसी टॉपिक के अंदर हम इस बात को भी समझ रहे हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइंस होनी चाहिए, कम्युनिटी को पता होना चाहिए कि कैसे इस मौलिक बीमारी से हमने बचना है। तो इस सारी कोशिश को जिससे हम एक बीमारी को कंट्रोल करते हैं उसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, IDM। इसके बाद हम बात करते हैं कि बायोलॉजी की फील्ड, बायोलॉजी ने बहुत काम किया हमारे माशरे के अंदर। इसमें बेसिकली उसने 3 और फवायद भी दिए हमें। इसमें एक कॉलोनिंग का लफ्ज़ है, जो कॉलोनिंग का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो बायोलॉजी ने हमें दिया है एक कम्युनिटी के अंदर इंसानों को। कॉलोनिंग हमें इससे मिली है, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट भी हमें बायोलॉजी की तवसुत से मिला है एक हमारे इंसानी माशरे को। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये जो 2-3 चीज़ें हमें कॉलोनिंग एंड कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ये कैसे हमें बायोलॉजी से मिली है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अंदर अब हम कॉलोनिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉलोनिंग क्या है। कॉलोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत एसेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है, ऑफस्प्रिंग, एसेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग होती है। एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज पैदा की जाती हैं इस प्रोसेस के अंदर, इसका नाम कॉलोनिंग है। और ये कॉलोनिंग क्यों की जाती है? ये यूजेनिक एम्स को हासिल करने के लिए की जाती है। और ये यूजेनिक एम्स क्या है कि डिज़ायर्ड हेरिडिटी कैरेक्टर्स को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए अगली नस्ल में कॉलोनिंग की जाती है। यूजेनिक एम्स का मतलब है कि डिज़ायर्ड हेरिडिटी कैरेक्टर्स को अगली नस्ल में ट्रांसमिट करना। तो कॉलोनिंग क्यों की जाती है? यूजेनिक एम्स को हासिल करने के लिए, डिज़ायर्ड हेरिडिटी कैरेक्टर्स की ट्रांसफॉर्मेशन अगली नस्ल में, इसको हासिल करने के लिए हम कॉलोनिंग का प्रोसेस करते हैं। और एक कॉलोन क्या होता है? कॉलोन एक सेल या इंडिविजुअल है जो एसेक्सुअली प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉलोन कहते हैं। और उसके अंदर डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं पेरेंट्स की, और बिल्कुल आइडेंटिकल जो है वो कॉपी होता है पेरेंट्स की। एक सूरत में कि अगर म्यूटेशन ना हो जाए, म्यूटेशन कहते हैं कि कोई भी डिफेक्ट पैदा हो जाना जीन की ट्रांसफॉर्मेशन में टू नेक्स्ट जनरेशन, म्यूटेशन ना हो तो कॉलोन क्या होता है? कॉलोन आइडेंटिकल कॉपी होता है पेरेंट्स की, जिसके अंदर डिज़ायर्ड हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं और वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होता है पेरेंट्स की। एक सूरत में वो नहीं हो सकता कि अगर म्यूटेशन ना हो जाए, डिफेक्टिव जीन्स की ट्रांसमिशन ना हो जाए नेक्स्ट जनरेशन में। ये है कि कॉलोनिंग, यूजेनिक एम्स और कॉलोन को हमने समझा है। अब एक और बात है इसमें कि नेचुरली जो कॉलोनिंग का प्रोसेस है वो नहीं किया जा सकता एनिमल्स के अंदर, लेकिन कॉलोनिंग का प्रोसेस नेचुरली प्लांट्स में और इंसेक्ट्स में हो रहा है। प्लांट्स और इंसेक्ट्स में कॉलोनिंग का प्रोसेस चल रहा है, लेकिन एनिमल्स में नेचुरली कॉलोनिंग नहीं हो सकती। आगे हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं कॉलोनिंग की, कि ये कॉलोनिंग किस तरह, 2 तरह से होती है। ये हमने वो 2 तरीके समझने हैं कौन कौन सी है। पहला तरीका क्या है कि एक फर्टिलाइज्ड एग है जो, उसके अंदर से एग सेल का न्यूक्लियस निकाल लिया जाए और उस न्यूक्लियस की जगह पे एक और इंडिविजुअल के सेल का न्यूक्लियस रख दिया जाए। एक पूरे इंडिविजुअल के नॉर्मल सेल का न्यूक्लियस उस एग के न्यूक्लियस की जगह पे रख दिया जाए। तो जिस इंसान का या जिस ऑर्गेनिज्म का हम
न्यूक्लियस लेंगे उसके सेल का, सेम उसकी कॉपी पैदा हो जाएगी, सेम उसकी कॉपी पैदा होगी, एक फर्टिलाइज्ड एग हो, जो फर्टिलाइज्ड एग के न्यूक्लियस को हमने निकालना है उसकी जगह पे किसी भी पर्सन के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिसकी हमने कॉपी लेनी है, वो उसका हमने न्यूक्लियस का, सेल का न्यूक्लियस निकाल के उस जगह पर रखना है, फिर उसको किसी भी वॉर्म में हमने रखना है उस जाइगोट को, तो वो फिर एक हमें उससे ऑर्गेनिज्म मिलेगा। ये फर्स्ट मेथड है, इसके अंदर आइडेंटिकल हमें कॉपीज मिलेंगी जिसकी हमने रखी होगी, जिसका हमने सेल लिया होगा, सेल का न्यूक्लियस जिसका हमने लिया होगा, तो ये फर्स्ट मेथड है, इसके तहत हम ये कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे दूसरा जो मेथड है जिसके तहत हम क्लोनिंग कर सकते हैं वो ये है कि एक जो एम्ब्रियो है, जो अभी एम्ब्रियो स्टेट में मटेरियल मौजूद है, या जो एग सेल्स हैं, जायगोट है, जो स्पर्म और एग मिल चुके हैं, जायगोट है जो, उसको हम डिवाइड कर लें, उस जायगोट को या उस एम्ब्रियो को हम डिवाइड कर लें, उसके कई हिस्से बना लें, इस तरह हमें आइडेंटिकल ट्विंस मिल सकते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल जो है ट्विंस वो हमें मिल सकते हैं उसकी, उसको डिवाइड करके जायगोट को मुख्तलिफ हिस्सों में। लेकिन इससे होता क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, पेरेंट्स के क्रोमोसोम बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, मदर के भी और फादर के दोनों के क्रोमोसोम्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन। तो ये तरीका आइडेंटिकल कैटल्स और फॉर्म एनिमल्स की प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, और मुख्तलिफ जो कीमती जानवर है जिसके अंदर घोड़ा है, तो उसकी अच्छी पेडिग्री के लिए हासिल करने के लिए भी कॉलोनी का प्रोसेस किया जा रहा है। ये इंसानों के ऊपर भी बास जगहों पर कॉलोनिंग का प्रोसेस प्रैक्टिकली किया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ जो है वो ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है कि इसको ना किया जाए कॉलोनिंग के प्रोसेस को इंसानों के ऊपर मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर। और एक और बात ये कि स्कॉटलैंड का एक साइंटिस्ट था जिसने 1997 में सबसे पहले शीप पे कॉलोनिंग की थी, और उसके बाद फिर कॉलोनिंग के प्रोसेस को माइस और काउस पे भी किया गया। ये सारा जो आज हमने पढ़ा है, डिस्कशन किया है ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी के अंदर, जिसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया और समझा है, इसके अंदर हमने एंटीबायोटिक्स का रोल पढ़ा है ह्यूमन की लाइफ में, रेडियोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी क्या होती है, जीन थेरेपी का प्रोसेस क्या है, IDM किसको कहते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, कॉलोनिंग के प्रोसेस को हमने डिटेल से डिस्कस किया है जिसमें हमने उसकी टाइप्स पढ़ी हैं और किन किन ऑर्गेनिज्म पे ये एप्लीकेबल होती है, यूजेनिक एम्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, कॉलोन भी हमने आज के टॉपिक में समझा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। साइंस फिजात को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।